रात के यही कोई 9 बज रहे थे। मोनिका आईने के सामने खड़े होकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। वो सज धज कर पूरी तरह तैयार थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसका पति मयंक अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उनका नवजात बेटा विक्रांत बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी मोनिका के फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी की आवाज से उसके नवजात बेटे की नींद खुल जाती है और वो रोने लगता है। मयंक, देख रहे हो ना, मैं तैयार हो रही हूँ। विक्रांत को गोद में तो उठा लो। मयंक अपने बेटे को गोद में उठा लेता है, लेकिन वो रोता ही रहता है। मोनिका, लगता है इसे भूख लगी है, तभी ये रो ही जा रहा है। एक काम करो, इसे दूध पिला दो। क्या मयंक, तुम भी ना देखो, मैं बार बार इसे अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं कर सकती। तुम कुछ और ऑप्शन देख लो। कुछ और ऑप्शन मतलब? मुझे क्या पता, लेकिन मैं अपना दूध तो इसे पिलाने से रही। वैसे भी जब से इसका जन्म हुआ है, सारा दिन ये भें 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 करता रहता है। इसका क्या मतलब, मैं सारा दिन इसे दूध ही पिलाती रहूं? ये कहकर अपने पैर पटकती हुई मोनिका बाहर निकल गई, क्योंकि उसे पार्टी में जाने में देर हो रही थी। मोनिका का नवजात बच्चा कुछ देर तक रोता रहा और फिर सो गया। मयंक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी उसे, लेकिन इसके बावजूद उसका बच्चा भूखे सो गया। अगले दिन की बात है, सुबह के 10 बज रहे थे। मोनिका अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने नींद में ही फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से जिसकी आवाज आई, उसे सुनकर मोनिका का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोली, अरे दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का, क्यों सुबह सुबह फोन कर रहे हो? अरे नहीं चाहिए मुझे लोन, ये बैंक वाले भी ना जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। मोनिका ने गुस्से में फोन काटा और अपनी नौकरानी मीना को आवाज लगाई। मीना, मीना, पता नहीं ये कहां मर गई, सिर बहुत भारी लग रहा है मेरा। मिसेस सिंघानिया को बोला था मैंने कि अब पैग ना बनाए, लेकिन वो कहां सुनती है किसी की। मोनिका मनी मन ही बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी नौकरानी अपने दुधमुए बच्चे को लेकर भागी भागी उसके पास आई। क्योरी, कहां मर गई थी, इतनी देर लगती है तुझे आने में? माफ कर दीजिएगा मालकिन, वो क्या है ना कि मुन्ना भूख के मारे रो रहा था, इसलिए उसे दूध पिला रही थी। मीना की इस बात को सुनकर मोनिका की आंखों में चमक आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, सुन मेरे लिए जरा नींबू पानी बनाकर ले आ जल्दी से, तो मेरे सिर में बहुत दर्द है। और हाँ, जल्दी आना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। मीना नींबू पानी लेकर मोनिका के पास आई और उसे नींबू पानी दिया। मीना, तूने क्या कहा था, क्यों तुझे आने में देर हुई? मालकिन, वो मैंने कहा ना, मेरा बेटा भूख से रो रहा था, इसलिए उसे दूध पिला रही थी। मालकिन, आइंदा से ध्यान रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, बच्चा भूखा है तो दूध तो पिलाना ही होगा ना। सुन मीना, तू मेरा एक काम करेगी? जी मालकिन, बोलिए ना क्या करना है। तू अपना दूध मेरे बेटे को भी पिलाएगी? ये आप क्या कह रही है मालकिन, मैं अपना दूध और वो भी छोटे मालिक को? हाँ, मैं इसके बदले तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। गरीब इंसान अपनी जरूरतों से इतना घिरा होता है कि जहां उसके कानों में पैसों की बात आती है, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। मीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने हामी भर दी। वैसे भी वो कोई गलत काम तो कर नहीं रही थी, जैसे वो अपने बच्चे को दूध पिलाती, वैसे ही उसे अपनी मालकिन के बेटे को भी दूध पिलाना था। मुझे मंजूर है मालकिन, मैं छोटे मालिक को भी अपना दूध पिलाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा बेटा कभी भूखा ना रहे। अगर वो भूख से रोता नजर आया तो मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। उस दिन के बाद मीना मोनिका के बेटे को भी अपना दूध पिलाने लगी। मोनिका की सारी टेंशन मीना ने दूर कर दी। मीना को उसके दूध के बदले अच्छे खासे पैसे मिलते। उस रकम से मीना का जीवन स्तर बहुत सुधर गया था। पहले जहां वो एक कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहती थी, उसका घर अब पक्का हो गया था। पहले जहां उसका जीवन अभावों में कटता था, वहां अब चीजें बहुत सुधर गई थी। उसके पति ने एक बार जब उसकी मालकिन की इस मेहरबानी का राज पूछा तो मीना ने कहा, अरे आप भी ना बिना मतलब शक करते रहते हैं। मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद है, इसलिए वो मुझे पगार से कहीं बढ़कर पैसे देती है। अब कोई सामने से पैसे दे रहा है तो क्या मैं मना कर दूं? मैं इतनी पागल नहीं हूं। मीना ने अपने पति से सच्चाई छिपा ली, लेकिन मालकिन के बेटे को भरपूर दूध पिलाने के चक्कर में उसके अपने बेटे के लिए दूध बहुत कम बचता, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं बचता। दिन प्रतिदिन उसका बेटा बहुत कमजोर होते जा रहा था। एक रात जब उसका बेटा भूख से रो रहा था तो उसके पति दीना ने उससे कहा, अरे क्या कर रही है मीना, देख नहीं रही मुन्ना भूख से रो रहा है? अरे उसे दूध पिला, मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल मुन्ने पर बहुत ही कम ध्यान देती है। कुछ भी मत बोला करिए आप, मैं उसकी माँ हूँ, मैं भला क्यों उसके ऊपर कम ध्यान दूंगी? अरे तो फिर वो आजकल दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होता जा रहा है भाई? वो मैं कैसे कहूँ, मैं तो उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। ये कहकर मीना अपने मुन्ने को गोद में उठाकर दूसरे कमरे में आ गई।
अरे चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा मुन्ना, देख तुझे दूध पिला दूंगी तो मालकिन के बेटे के लिए क्या बचेगा? अगर उसके बच्चे को दूध कम पड़ गया तो फिर से हमारी हालत गरीबों जैसी हो जाएगी और मुझे फिर से गरीबों वाला जीवन जीना होगा और मुझे वो जीवन नहीं जीना, नहीं जीना। मीना ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, वो बेचारा रोते रोते सो गया। लेकिन उस रात मीना का बच्चा जो सोया वो कभी नहीं उठा। अगली सुबह, सुनते हो जी, देखो ना मुन्ना, मुन्ना को क्या हो गया, वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, न हिल रहा है न डुल रहा है। अपनी पत्नी की बात को सुनकर दीना बहुत घबरा गया, उसने अपने बेटे को गोद में उठाया। मुन्ना मुन्ना क्या हुआ बेटा, मुन्ना मुन्ना आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। क्या हो गया जी हमारे मुन्ने को, वो ऐसे चुपचाप क्यों पड़ा है? पता नहीं मीना, हमें इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। वे भागे भागे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उसके बच्चे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया और कहा, आपका बच्चा मर चुका है और इसका कारण है ये कई दिनों से भूखा था, क्या आप लोग इसे दूध नहीं पिलाते थे? डॉक्टर की बातों को सुनकर मीना दहाड़े मारकर रोने लगी। मुन्ना मुन्ना, अरे मैंने मार दिया अपने मुन्ने को, मैंने मार दिया, पैसों के लालच में मार दिया। अपने बच्चे की मौत के बाद मीना की हालत पागलों की तरह हो गई। उसने काम धाम छोड़ दिया और वो सड़क पर भटकने लगी। उधर मोनिका द्वारा अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाने के कारण उसके सीने में बहुत दर्द रहने लगा। कई बार तो वो घंटों दर्द से तड़पती रहती। पता नहीं ये आजकल मुझे क्या हो गया है, मेरे सीने में इतना दर्द क्यों रहता है? पहले तो उसे इसका कारण पता नहीं चला, लेकिन जब मोनिका अपने पति के साथ अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई तो, देखो मोनिका, ये सब जो हो रहा है उसके पीछे का कारण कोई और नहीं, तुम हो। बच्चे के जन्म के बाद ईश्वर हर स्त्री को दूध पिलाने का सौभाग्य देता है, लेकिन तुम लगता है कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब तुम दूध नहीं पिलाती तो फिर वो दूध जाएगा कहाँ, और वही तुम्हारे दर्द का कारण बन रहा है। तुम अपने बच्चे को अभी से दूध पिलाना शुरू कर दो, नहीं तो कल ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। डॉक्टर की बातों को सुनकर मोनिका घर जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, वो दूध पीना तो क्या, उसकी गोद में रहने तक को तैयार नहीं था। वो लगातार रोए जा रहा था। मयंक मयंक, इसे क्या हो गया है, ये तो दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं है। असल में मोनिका ने अपने बच्चे को बिल्कुल मीना के भरोसे छोड़ दिया था। वो ना तो उसे गोद में लेती और ना ही उसके लिए कुछ करती। इस वजह से मोनिका के बच्चे को उसकी आदत हो गई थी। असल में वही तो उसकी माँ का रोल निभा रही थी। इधर मोनिका के बच्चे ने भी दूध पीना पूरी तरह छोड़ दिया। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर मोनिका को अब पश्चाताप होने लगा था। ये सब मेरे कारण हो रहा है, मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूँ, अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मोनिका का बेटा भी अचेत हो गया, वो ना तो सांस ले रहा था और ना ही हिल डुल रहा था। मयंक मयंक, ये देखो ना विक्रांत को क्या हो गया है, ये ना तो रो रहा है और ना ही सांस ले रहा है। वो दोनों तुरंत भागे भागे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उनके बच्चे को तुरंत एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने किसी तरह पाइप के जरिए उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बिल्कुल शांत पड़ा था। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने भगवान से दुआ करने के लिए मोनिका और मयंक को कहा, लेकिन तभी वहां एक नर्स भागती भागती आई। डॉक्टर साहब, एक औरत आईसीयू में घुसाई है और वो बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा भी आराम से दूध पी रहा है। सभी भागे भागे आईसीयू में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीना मोनिका के बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर मोनिका को रोना आ गया। वो रोते हुए मीना के पास आई और कहा, मीना तुम अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी, देखो तुम्हारे बिना इसकी क्या हालत हो गई है। मेम साहब, मैंने अपना बच्चा लालच में आकर खो दिया, लेकिन छोटे साहब को भी अगर कुछ हो जाता तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, कभी नहीं। ये कहकर मीना जोर जोर से रोने लगी। मोनिका ने उसे गले लगा लिया। मोहन और सीमा बहुत परेशान थे क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे। मोहन मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। सीमा ने माता रानी का व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। मोहन और सीमा को एक बेटा हुआ और उसका नाम मोनू रखा। देखो जी हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश हैं। मोहन एक दिन काम से लौटते वक्त मोनू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। लॉकेट में मोहन सीमा और मोनू की प्यारी छवि है। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट मोनू के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर मोनू के पास रहेगा। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाश है कि पूछो मत।
सोता ही नहीं है। अरे सीमा, तुम इसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। सीमा लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। मुन्ना करे तमाशा। ऐसे ही दिन भी बीतते रहे। मोनू थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन मोनू ने मेले में घूमने जाने की जिद पकड़ ली। दुर्गा माँ के मंडप के पास मेला लगा था। महेश और सीमा मोनू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो। अरे भागो सीमा, भागो, आग लग गई है। आप मोनू को छोड़िएगा मत। सभी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मोहन से मोनू का हाथ छूट जाता है, मोनू वहीं गिर जाता है। माँ पापा बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में सीमा और मोहन मोनू को सुन नहीं पाए। भीड़ से दूर जाकर वो मोनू को ढूंढने लगे। अरे मोनू कहाँ गया? मोनू, आपने मेरे मोनू का हाथ छोड़ दिया। अरे इतनी भीड़ में कब और क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ढूंढो उसे। मोनू, मोनू, मेरा मोनू। दोनों ने मिलकर मोनू को बहुत ढूंढा, मगर मोनू नहीं मिला। मोहन और सीमा रोते हुए घर चले आए। इतनी मुश्किल से दोनों को संतान प्राप्ति हुई थी। घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। सीमा ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे मेरा मोनू वापस चाहिए। मुझे मेरा मोनू ला दो, मेरा मोनू ला दो मुझे। ठीक है सीमा, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोनू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर मोहन घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर मोनू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मोहन को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा वो घर आया। सीमा रो रही थी। मोहन को देखकर वो बोली, क्या हुआ जी, मेरा मोनू कहीं मिला? नहीं सीमा, मैंने सब जगह ढूंढा पर मोनू कहीं भी नहीं मिला। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ। मेरा मोनू मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा मोनू वापस आएगा। आज ये वचन देता हूँ, मैं मोनू को तुम्हारी गोद में ला कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। अगले दिन से मोहन बस मोनू को ढूंढता रहा और सीमा घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से मोहन का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर सीमा पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही ना मिले तो वो मोनू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीरों के घर नौकरी शुरू की। उन घरों में मोहन घर की साफ सफाई करने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम करता रहा और सरला उन घरों में खाना बनाने लगी। काम के बाद बचे हुए समय में मोनू की खोज में दोनों बस इधर उधर भागते रहे। देखना सीमा, मोनू एक दिन जरूर मिलेगा। बस उसे एक बार देख लूं इन आंखों से, मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ। ऐसे ही 25 साल बीत गए, मगर मोनू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में मोहन और सीमा बहुत सारे घरों में काम कर चुके हैं। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर में एक अभिषेक नाम का आदमी आया है। उसकी उम्र तो बस 30 साल है, मगर उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको दो काम करने वालों की जरूरत है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मोहन और सीमा उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए। मालिक, हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम दोनों काम कर पाओगे क्या, इतनी उम्र जो हो गई है? अभिषेक की पत्नी का नाम रितु है। रितु वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन और सीमा को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। मोहन घर साफ करता है और सीमा खाना बनाने में लग जाती है। ऐ बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर चल। जी मालकिन, अभी करता हूँ।
अरे ठीक से कर, ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा? मोहन चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है। उधर सीमा खाना बना लेती है। अभिषेक और ऋतु दोनों खाने के लिए बैठते हैं। सीमा दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। अभिषेक पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। अरे ये क्या? क्या हुआ अभिषेक? क्या हुआ मालिक? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं वो बात नहीं है, ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना? ये कैसे हो सकता है? सीमा ने तो पहली बार खाना बनाया है इस घर में। हाँ वो बात तो है, पता नहीं ये मेरा भ्रम हो सकता है। दोनों खाना खा लेते हैं लेकिन तभी मोहन गलती से कांच का बर्तन जमीन पर गिरा देता है और वो टूट जाता है। रितु बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ये क्या कर दिया इस बूढ़े ने, इतना महंगा बर्तन तोड़ दिया। माफ करना मालकिन, गलती हो गई। गलती? इस घर में गलती की कोई माफी नहीं है। तभी अभिषेक एक छड़ी लाता है और मोहन को मारने लगता है। सीमा भाग कर आती है और अभिषेक के पैर पकड़ लेती है। माफ कर दीजिए मालिक, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लो बहाना शुरू, मैंने तभी बोला था कि इन दोनों को निकाल दो, अब भुगतो। आप मुझे मारिए मालिक, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ तुझे भी मारूंगी, मार खाने का बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे। रितु तभी एक छड़ी लाती है और सीमा को मारने लगती है। दोनों चिल्लाते हैं। मारने के बाद अभिषेक और रितु अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में सीमा और मोहन रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को अभिषेक अपने कमरे में चिल्ला रहा है। माँ मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी सीमा अभिषेक के कमरे के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। तभी रितु दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ इतनी रात को? मालिक चिल्ला रहे हैं, सुनकर रह नहीं पाई। अभिषेक को बीमारी है, उसको कभी कभी नींद नहीं आती, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं, तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी सो जाते हैं। सीमा अभिषेक के पास जाती है और लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अभिषेक तुरंत सो जाता है। रितु को आश्चर्य होता है, लेकिन सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए निकलता है। उसके ऑफिस में आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए वो हड़बड़ी में घर से निकलता है और बिना इधर उधर देखे रास्ता पार करता है। पर तभी रास्ते में गाड़ी आकर उसे धक्का मार देती है और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। रितु सीमा और मोहन दौड़कर उसके पास जाते हैं। तीनों मिलकर अभिषेक को उठाने की कोशिश करते हैं और तभी मोहन और सीमा देखते हैं कि अभिषेक के गले में एक लॉकेट है। ये वही लॉकेट है जिसे मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। मोहन और सीमा उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो अभिषेक के पास बचपन से है, वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। अभिषेक से ही सुना है मैंने, मेले में आग लगने के कारण दौड़ते हुए वो गिर गया था और उसके पापा से उसका हाथ छूट गया था। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद जब वो मेले के पास बैठकर रो रहा था, तब किसी अनाथ आश्रम के मालिक ने उसे देखा और उसे अपने साथ लेकर गए। अभिषेक ने अनाथ आश्रम में रहकर ही पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने बाहर चला गया। बचपन से ये लॉकेट उसके पास है। ये सुनकर मोहन और सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में ये वही लॉकेट है जो मोहन ने मोनू के गले में पहनाया था। अभिषेक असल में उनका मोनू है। वो तुरंत मोनू को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था, इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है हमें, उसको फिर से हमसे अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और अभिषेक यानी मोनू को ठीक कर देती है। मोनू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है कि क्यों सीमा का बनाया हुआ खाना जाना पहचाना लग रहा था, क्यों सीमा की लोरी सुनकर वो सो गया था। वो मोहन और सीमा पर किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो।
चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? ये बोलकर मोहन और सीमा अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। रितु भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।